मेरी बात आपके काम की है तो इसलिए ध्यान से सुनना कि आप भी अपनी स्किन को फेयर, ग्लोइंग, ब्राइट एंड स्पॉटलेस बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जैपनीज स्किन केयर से इंस्पायर्ड फेस पैक लेकर आई हूं जो कि आपको दिन पर दिन गोरा बनाता चला जाएगा। यकीन नहीं होता है तो वीडियो का एंड रिजल्ट देखे बिना मत जाइएगा। आई एम श्योर आप लोग भी बिल्कुल ट्राई करेंगे। ये जैपनीज इंस्पायर्ड फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा राइस। जी हाँ, ये राइस जैपनीज का मेन इंग्रेडिएंट है स्किन को ग्लास स्किन बनाने के लिए, और ये आपकी स्किन पर इतनी ब्राइटनिंग ला देगा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व करेगा। जैसे हाइपरपिगमेंटेशन है अगर आपके फेस पर, सन टैन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादातर प्रॉब्लम सन टैन की वजह से होती है, और आपकी स्किन को काफ़ी सारा ये हाइड्रेशन देता है जिससे सॉफ्ट एंड सपल स्किन बनने में हेल्प मिलती है। तो राइस को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाए। दो बार आपको वॉश कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालकर सोक करने के लिए रख देना है लगभग एक घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम भी आप ले सकते हैं। अगर आपको फर्मेंटेड राइस वाटर बनाना है तो आप 24 घंटे का टाइम भी इसको ले सकते हैं, भिगा के रख सकते हैं, पर एक घंटे में भी आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा। अब इस राइस वाटर को आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, और जितने दिन ये रहेगा आपको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। आप चाहें तो बिना फेस पैक के भी इस राइस वाटर को डेली अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर 2 से 3 चम्मच हम राइस वाटर डाल लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो बेस्ट रहता है स्किन के लिए वो है एलोवेरा जेल। तो आप मार्केट बेस ले सकते हैं एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का, या फिर आप घर पर ही अपना नेचुरल एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं लीफ से, वो इसके अंदर डालेंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट स्किन ब्राइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए जो यूज़फुल रहता है वो है हनी। तो आपको ऑर्गेनिक शहद अगर कहीं से मिल जाए तो उससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। बाकी जो भी हनी आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर आधा चम्मच भर के डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक रेडी हो गया है। अब आप कहेंगे काफ़ी वाटरी है तो इसे कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। मार्केट में आते हैं फेस मास्क शीट्स। तो ये जो शीट मास्क होती है ये आपको अपने घर पर रखनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी कुछ मिक्स करके और लगा सकते हैं फेस पे। तो ये जो शीट मास्क है आपको मैं ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन जाके मार्केट से भी ले सकते हैं। शीट मास्क अपने अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को सोक कर लेगा और इससे ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी स्किन पर काफ़ी देर तक हाइड्रेशन देता है जो कि स्किन की पहली डिमांड होती है, हाइड्रेशन, उसको सॉफ्ट एंड सपल बनाने के लिए। तो मात्र 2 या 3 मिनट के लिए आपको सोक करके रखना है और उसके बाद ये शीट मास्क आपको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। बस आप इसको ओपन कर लीजिएगा अच्छे से और अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करके आपको इसे छोड़ना है 15 से 20 मिनट के लिए, एक्सटेंड कर सकते हैं आधे घंटे तक भी, और आराम से बैठ जाइएगा। आप जब इसे लगाएंगे तो पहली बात तो ये थोड़ा सा ठंडक देगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को ब्राइट टाइट बनाने में हेल्प करेगा, स्किन लाइटनिंग में हेल्प करेगा, हाइपरपिगमेंटेशन अगर है उसे रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, मतलब ग्लोइंग स्किन देने में आपको बहुत अच्छे से काम करेगा ये। और अभी इस शीट मास्क को हटाऊंगी तो आप खुद देखेंगे कितनी ज़्यादा हाइड्रेट दिखेगी स्किन, पहले से बेटर दिखेगी स्किन। तो एंड रिजल्ट देखे बिना मत जाइएगा इसका। तो एप्लीकेशन के बाद 15 से 20 मिनट के लिए स्किन पर छोड़ देंगे इसे। तो ये देखिए, इस मास्क को हटाने के बाद स्किन पर एकदम से चमक आ गई है। और ये मास्क आप अगर वीक में 3 बार अप्लाई करते हैं तो गारंटी दे रही हूँ आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, आपकी स्किन डल नहीं रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, आपकी अगर हाइपरपिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएंगी, स्किन ब्राइटन अप एंड लाइटन अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, चमक जाएगी स्किन। देखो बिल्कुल अच्छे से चमक आ रही है ना स्किन पर, यही चमक आपको मिलेगी अगर आप वीक में 3 बार इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। अगर रोज़ाना भी करना चाहें तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से इसे मसाज कर लीजिएगा शीट मास्क को लगाने के बाद, और नाइट टाइम में करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मॉर्निंग में आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अब अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है स्किन या हेयर से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम आपको 24 घंटे में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।